पीएससी स्टडी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे। अभी तक हमने दो एंग्लो मैसूर वॉर कवर कर ली थी, अब हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानेंगे, बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड ये था कि डिस्प्यूट जो है स्टार्ट हुआ था टीपू और स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर में। तो ट्रेवनकोर ने क्या किया, परचेस्ड जलकोटल एंड कैन्नौर फ्रॉम द डच। उन्होंने क्या किया, ये दोनों एक तरह से बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ कोचिन डच से ख़रीद ली, ठीक है। तो एज कोचिन वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ टीपू, और कोचिन जो थे वो क्या थे, फ्यूडेटरीज थे टीपू ऑफ टीपू, मतलब कैसे बोलेंगे, टीपू के अंडर ही कोचिन था। ही कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ ट्रेवनकोर एज अ वॉयलेशन ऑफ ए सोवरेन राइट। जब इसी के ही इलाके को जब डच वालों ने ट्रेवनकोर को दे दिया, तो उन्होंने ये देखा कि ट्रेवनकोर ने उसके सोवरेन राइट्स को का वायलेशन किया है। सो अप्रैल 1790 में क्या होता है, टीपू ने डिक्लेयर कर दी वॉर ट्रेवनकोर के खिलाफ कि भाई हमें हमारे राइट्स चाहिए, ये जलकोटल और जो कैन्नौर आपने लिया है ये सही नहीं है, ठीक है। तो कोर्स ऑफ वॉर अगर हम बताएं तो इंग्लिश जो थे वो ट्रेवनकोर के साइड थे, उन्होंने इंग्लिश ने चलाकर टीपू पे अटैक किया। 1790 के अंदर क्या होता है, टीपू ने डिफ़ीट कर दिया इंग्लिश को अंडर जनरल म्यूडियोस, ठीक है। टीपू ने डिफ़ीट किसको किया, इंग्लिश मैन को किया, ठीक है। और इंग्लिश उस टाइम कौन लीड कर रहा था, जनरल म्यूडियोस जो हैं वो लीड कर रहे थे। 1791 में कॉर्नवेलिस जो हैं उन्होंने लीडरशिप ली एट द हेड ऑफ लार्ज आर्मी। फिर उन्होंने एक आर्मी बनाई और वो किस तरफ मार्च कराई, अम्बूर और वेलोर बेंगलोर की तरफ, एंड फ्रॉम देयर वो वहाँ से सेरिंगपट्टनम गए। कोयम्बटोर फेल टू देम, और इन्होंने कैप्चर किया कोयम्बटोर को, बट दे लॉस्ट इट अगेन, बट इंग्लिशमैन फिर से हार गए। एट लास्ट विद द सपोर्ट ऑफ मराठास और निज़ाम, फिर किसका सपोर्ट आया, मराठास का सपोर्ट आया और निज़ाम का सपोर्ट आया, और इंग्लिश ने अटैक किया फिर से सेरिंगपट्टनम पे और सेकंड टाइम पे। और टीपू ऑफर्ड सीरियस अपोजिशन बट द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम, कॉन्सिक्वेंटली ही हैड टू पे हैवियर अंडर द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। और फाइनली जब सेकंड टाइम उन्होंने जब अटैक किया तो टीपू हार गया, और फिर इनकी बीच में होगी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन। इस ट्रीटी में क्या होता है, इन्होंने जितनी मैसूर की आधी टेरिटरी इन्होंने ले ली, 12 महल डिंडुगल मालाबार जो है वो इंग्लिश ने ले लिए, मराठास गॉट द रीजन सराउंडिंग द टुंगा भद्रा रीजन, एंड निज़ाम एक्वायर्स द एरियाज फ्रॉम द कृष्णा टू बियॉन्ड द पन्नर। ये दोनों रिवर्स के बीच का पूरा एरिया निज़ाम ने ले लिया, और बिसाइड अ वॉर डैमेज ऑफ 3 करोड़, और फिर इनसे 3 करोड़ रुपए भी मांगे गए टीपू से। हाफ ऑफ द वॉर इंडेमनिटी वॉज टू बी पेड, और जितनी भी इन वॉर में खर्चा हुआ है उसका आधा खर्चा अब भी तुरंत हमें पे करो और बाकी के इंस्टॉलमेंट्स में देते रहो। फॉर विच टीपू के जो दो सन थे वो बहुत भयंकर खिलाफ हो गए इंग्लिश के, ठीक है। ये हो गई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को यहाँ पे एंड। फिर हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होएगा, अब उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा। तो इंग्लिश एज वेल एज टीपू सुल्तान यूज्ड द पीरियड, इस पीरियड जो ये 7-8 साल का पीरियड था, अपने लॉसेस को रिकर करते रहे, फिर से जो लॉस हुआ उसको एज अ टैक्स कलेक्ट करके और ऐसे करके उनको रिकूप किया उनको। टीपू फुलफिल्ड ऑल द टर्म्स ऑफ, और टीपू ने क्या किया, जो भी सेरिंगपट्टनम में जो जो चीज़ें थी सब उन्होंने क्या करा, उन्होंने सब पूरा कर दिया और अपने दोनों बच्चों को भी रिलीज़ करा लिया, क्योंकि ऊपर बोला गया कि दोनों बच्चों को इंग्लिशर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको हॉस्टेजेस मतलब उनको कैदी कर लिया था, और फिर बाद में टीपू ने उनको छुड़वाया। 1796 में क्या होता है, हिंदू रूलर जो थे वोदिया डायनेस्टी के उनकी मृत्यु हो जाती है, तो टीपू रिफ्यूज टू प्लेस वोदियार माइनर सन ऑन द थ्रोन, वोदियार के जो बेटे थे उनको थ्रोन पे रखने के लिए मना किया, और डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ और अपने आप को ही उन्होंने सुल्तान डिक्लेयर कर लिया। ही ऑल्सो डिसाइड टू एवेंज हिज ह्यूमिलिएटिंग डिफीट एंड टर्म्स पुट बाय द, और वो क्योंकि वो जो रिवेंज लेना चाहते थे जो कि उनके साथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में हुआ था। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो थे
वो सक्सीड हुए, मतलब नेक्स्ट उनके बाद में गवर्नर और या वाइस रॉय बने, सर जॉन शॉर बने एज अ न्यू गवर्नर जनरल, एन इम्पीरियलिस्ट टू द कोर, बहुत ही मतलब इम्पीरियलिस्ट थे ये। वेलेस्ली वॉज कंसर्न अबाउट टीपू ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच एंड एम्ड एट एनिहिलेटिंग टीपू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और फोर्स हिम टू सबमिशन थ्रू द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलाइंस। सो द चार्जशीट अगेंस्ट टीपू मेंशन दैट ही वॉज प्लॉटिंग अगेंस्ट द, और ये उसके पीछे चार्जशीट लगाई गई कि टीपू जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्लॉट कर रहा है निज़ाम और मराठास के साथ मिलकर, दैट ही हैड सेंड मिशनरीज टू अरेबिया, अफगानिस्तान, काबुल और जैमन शाह एंड ऑल्सो इजल ऑफ फ्रांस एंड वर्साइलीज विथ ट्रेजेबल इंटेंट। टीपू एक्सप्लेनेशन डिड नॉट सेटिस्फाई, बट टीपू ने बोला नहीं नहीं भाई ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेलेस्ली को फिर भी शक उस पर होता रहा। फिर वॉर कैसे स्टार्ट होती है, वॉर स्टार्ट होती है 1799 में और एंड भी 1799 में हो जाती है। इससे सेरिंगपट्टनम का फॉल होता है, टीपू जो है फर्स्ट टाइम डिफीट किया गया, इंग्लिश जनरल स्टॉट वहाँ के गवर्नर जनरल या कोई जो इसको मिलिट्री को कमांड कर रहा था बाय जन, और फिर किससे, जनरल हैरिस के द्वारा, और आर्थर वेलेस्ली के भाई जो भाई था लॉर्ड वेलेस्ली का वो भी पार्टिसिपेट करता है इस वॉर में। तो इंग्लिश वर अगेन हेल्प्ड बाय मराठाज और निज़ाम, और इंग्लिश को फिर से मराठाज ने और निज़ाम ने हेल्प किया, और मराठा हैज़ बीन प्रोमिस्ड हाफ, और मराठास को अब वो हेल्प कर रहे हैं तो उनको कुछ चाहिए, तो मराठास को बोला गया कि आधी टेरिटरी टीपू की आपको दे दी जाएगी, और निज़ाम को बोला कि आप ऑलरेडी ही हमारे साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर चुके हैं। तो टीपू लेट डाउन हिज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली, हिज फैमिली मेम्बर्स वर इंटर्न्ड एट विलोर एंड हिज ट्रेजर वर कन्फिस्टिकेटेड बाय द इंग्लिश चूज अ बॉय फ्रॉम द अर्ली हिंदू रॉयल फैमिली, जो कि कौन सी थी, वोदिया डायनेस्टी मैसूर की, उससे ही उन्होंने एक वहाँ का रूलर चुन लिया एंड इम्पोज्ड ऑन हिम द सब्सिडियरी अलायंस, और बोला कि अब से मैसूर जो है 1799 से हमारे सब्सिडियरी अलायंस में है। और फिर अब मैसूर कैसा होगा आफ्टर टीपू के, तो वेलेस्ली ऑफर्ड सूडा एंड हर पोनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर टू द मराठा, ये मराठास को दिए उन्होंने, और विच द लेटर अफ्यूज, पर मराठास ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये हमें नहीं चाहिए। निज़ाम वॉज गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुटी एंड गुरमकोंडा, और इनको निज़ाम्स को गुटी और गुरमकोंडा दिए गए। इंग्लिश टू पोजेशन ऑफ कनारा, व्यांद, कोयम्बतूर, और इंग्लिश को किस किस का दिया, कनारा का दिया, व्यांद का, कोयम्बतूर का, द्वारापुरम का और सेरिंगपट्टनम का, ये सब इंग्लिश ने खुद ले लिए। तो द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर जो है हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी अंडर द माइनर रूलर कृष्ण राजा थर्ड हु एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस। अब 1831 में क्या होगा कि विलियम बेंटिक टू कंट्रोल ऑफ मैसूर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, और 1881 में लॉर्ड रिपन रिस्टोर्ड द किंगडम टू इट्स रूलर। अब यहाँ पे हमारा मैसूर डायनेस्टी ख़त्म होती है। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। अब हमने दो चीज़ कवर कर ली, बंगाल को हमने कवर कर लिया और हमने मैसूर को कवर कर लिया। अब हम करेंगे मराठास को कैसे उनसे जो पावर्स थी वो छीनी। सो हम मराठा स्टार्ट करते हैं कि मराठास का राइस कैसे होता है। तो एज द मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, तो राइस कैसे होगा मराठास का हमें देखना है। तो एज द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड, वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट एंड हार्डेस्ट ऑफ एम्पायर एडवर्सरीज द मराठा गॉट अ चांस टू राइज इन पावर। अब ये सब इतना हो गया तो मराठास ने सोचा कि हम हमारी पावर को इंक्रीज करते हैं। दे कंट्रोल्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्री, उन्होंने एक बड़ा पोर्शन जो है कंट्री का वो उन्होंने कंट्रोल किया। बिसाइड दे ऑल्सो रिसीव ट्रिब्यूट फ्रॉम एरियाज नॉट डायरेक्टली अंडर देयर कंट्रोल बाय द मिडल ऑफ 18th century। दे वर इन लाहौर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एम्पायर, और लाहौर में जाके वो सोचते हैं कि हम पूरे ऑल इंडिया के एम्पायर के हम क्या रूलर भी बन सकते हैं। इन द कोर्ट ऑफ मुगल प्लेइंग द रोल ऑफ किंग मेकर्स, दो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इन विच दे वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जब वो हारे अहमद शाह अब्दाली से, चेंज द सिचुएशन, बट उन्होंने फिर से अपनों आपको रिग्रुप किया और अपनी पावर को स्ट्रेंथन किया।
एंड विद इन अ डिकेड अचीव्ड अ पोजिशन ऑफ पावर इन इंडिया, और एक ही डिकेड में अचीव्ड अ पोजिशन ऑफ पावर इन इंडिया। बाजीराव वन जो है कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पेशवा, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे पेशवाज में बाजीराव वन, हैड स्टार्टेड अ कन्फेडरेसी ऑफ प्रोमिनेंट मराठा चीफ टू मैनेज द रैपिडली एक्सपेंडिंग मराठा पावर एंड टू सम एक्सटेंड अपीज द क्षत्रिय सेक्शन ऑफ द मराठास लेड बाय द सेनापति दबोडी। अंडर द अरेंजमेंट ऑफ मराठा कन्फेडरेसी ईच प्रोमिनेंट फैमिली अंडर अ चीफ was assigned a sphere of influence which he was supposed to conquer and rule, but in the name of the then Maratha king Shahu, the Maratha families which emerged prominent were, और उनमें से कुछ कुछ बहुत ही prominent जो families थी वो emerge होके आई, जैसे कि गेकवाड्स जो हैं वो, भोसले जो हैं वो, होलकर्स हैं वो, शिंदियाज हैं वो, और पेशवाज हैं वो। और गेकवाड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? बड़ौदा। भोंसले जो है वो नागपुर से बिलोंग करते हैं, और होलकर्स जो है वो इंदौर से बिलोंग करते हैं, और शिंदियाज जो है वो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, और पेशवा जो है वो पुणे से बिलोंग करते हैं। तो द कन्फेडरेसी अंडर बाजीराव वन टू माधवराव वन वर्कड कोर्डिनली, बट द थर्ड बैट मतलब माधवराव और बाजीराव वन जो है एक दूसरे के साथ कोर्डिनली जो है वर्क करते थे, बट जब जैसे ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई उसने सब कुछ बदल दिया। तो डिफीट एट पानीपत एंड लेटर द डेथ ऑफ यंग पेशवा, जब डिफीट हुई पानीपत में और डेथ हुई यंग पेशवा माधवराव वन की इन 1772 के अंदर, वीकेंड द कंट्रोल ऑफ पेशवा, पेशवा का जो भी कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया। दो द चीफ ऑफ द कॉन्फेडरेसी यूनाइटेड ऑन ओकेजन एज अगेंस्ट द ब्रिटिश, मोर ऑफन दे क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। अब इंग्लिश की एंट्री होगी मराठास पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, ईयर्स ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th century, जो हमारी 18th century का जो लास्ट क्वार्टर था एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 19th century उन्होंने विटनेस किया मराठास का, एंड इंग्लिश क्लैशिंग थ्राइस फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी विद द इंग्लिश इमर्जिंग विक्टोरियस इन द एंड। मतलब हम इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्लैशिंग थ्राइस मतलब थ्री मराठा वॉर होगी और लास्ट में जो है वो ब्रिटिशर ही जीतेंगे, ठीक है। फिर द कॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इनऑर्डिनेट एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश एंड द डिवाइडेड हाउस ऑफ मराठास दैट एनकरेज द इंग्लिश टू होप फॉर सक्सेस इन देयर वेंचर। तो इंग्लिश इन बॉम्बे वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश, और इंग्लिश जो बॉम्बे में थे वो चाहते थे इस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट को ऑन द लाइन्स ऑफ द अरेंजमेंट मेड बाय क्लाइव इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा। सो इट वॉज लॉन्ग फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंग्लिश वैन डिसेंशंस ओवर अ सक्सेशन डिवाइडेड द मराठास। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो जो बंगाल में अपना सारा सब कुछ जैसे उन्होंने स्टार्ट करा गई थी ना, जो जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी वहाँ पे आराम से ट्रेड करने मिल रहा था, तो वही वो सेम चाहते थे कि वहीं पे भी हो, तो इसलिए वहाँ पे भी वो अपना डोमिनेंस बनाने चलाए। अब यहीं से हमने अपनी मराठा वॉर स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होगी 1775 से लेकर 1782 के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसका पहले हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्यों फर्स्ट मराठा वॉर होती है। तो जब डेथ हो जाती है माधवराव की 1772 के अंदर, किसके अंदर, जब हिज ब्रदर नारायण राव सक्सीडेड हिम, नारायण राव जो है वो सक्सीड करते हैं फिफ्थ पेशवा, ठीक है। हाउएवर नारायण राव के जो अंकल थे रघुनाथ राव, उन्होंने इनका एसेसिनेट कर दिया था, उन्होंने नारायण राव को और खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया था। तो ऑल दो ही वॉज नॉट अ लीगल हेयर नहीं थे, तो नारायण राव जो विडो जी थी जो थी उसकी गंगा बाई, उसने एक बच्चे को जन्म दिया अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, और उस बच्चे का नाम था सवाई और माधव राव, एंड ही वॉज लीगली द नेक्स्ट पेशवा। तो 12 मराठा चीफ जिसका नाम 12 भाई बोलते हैं, 12 भाई लेड बाय नाना फडनवीस मेड एन एफर्ट टू नेम द इन्फेंट एज द न्यू पेशवा एंड रूल फॉर हिम एज रेजेंट्स। तो उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि
उन्होंने काफ़ी ट्राई किया कि उसको बारा भाई और नाना फडणवीस ने कि माधव राव को ही पेशवा डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत एंड पुरंदर होती है रघुनाथ राव के साथ, तो अनविलिंग टू गिव अप हिज पोजिशन इन पावर, सॉट हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश एट बॉम्बे एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सूरत, और साइन करी ट्रीटी ऑफ सूरत इन 1775 में। देखो क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ सूरत और पुरंदर साइन करते हैं रघुनाथ राव, किस लिए? क्योंकि उनको अपनी पोजीशन से वहाँ से उनको क्या करना था कि वो ऑलरेडी वहाँ पे गद्दी पे पेशवा डिक्लेयर हो चुके थे, तो उनको ना वहाँ से अपनी पावर लूज़ नहीं करनी थी। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? इंग्लिश की ली बॉम्बे में, और बॉम्बे और वहाँ पे इंग्लिश के साथ क्या साइन करी? ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी, ठीक है। उसके अंदर क्या बोला गया कि इस ट्रीटी के अंदर रघुनाथ राव जो है वो अपनी टेरिटरीज दे देंगे, सेलसेट और बसीन जो है इंग्लिश को दे देंगे, और वहाँ से जो भी रिवेन्यू आएगा सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट का वो सारा इंग्लिश को रहेगा। इन रिटर्न रिटर्न में क्या होगा, इंग्लिश जो है वो रघुनाथ राव को 2500 सोल्जर देंगे, और ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल जो है दूसरे साइड इस ट्रीटी को मना करते हैं कि इस मैटर में हमें नहीं जाना है, रघुनाथ राव को आप सोल्जर मत दीजिए। ब्रिटिश काउंसिल जो थी कलकत्ता की वो इसको मना करती है, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स जो है इनके साथ ट्रीटी कर लेते हैं और सेलसेट और बसीन ले लेते हैं, ठीक है। एंड सेंट कर्नल उपटन, किसको भेजते हैं? कर्नल उपटन को भेजते हैं पुणे के अंदर टू एनल इट एंड मेक अ न्यू ट्रीटी, एक नई ट्रीटी बनाने के लिए बोलते हैं, दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें क्या होता है, री अनाउंसिंग रघुनाथ एंड प्रॉमिसिंग हिम अ पेंशन, उनको बोलते हैं कि आप ये छोड़ो, आप पेशवा विश्वा छोड़ के आओ और हम आपको पेंशन वेंशन दे देंगे। तो बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस एंड गेव रिफ्यूजी टू रघुनाथ राव। और 1777 में क्या होता है, नाना फडणवीस जो होते हैं वायलेटेड हिज ट्रीटी विद द कलकत्ता काउंसिल बाई ग्रांटिंग ऑफ, और फिर क्या करते हैं कि वो फ्रेंच को एक पोर्ट दे देते हैं वेस्ट कोस्ट के ऊपर, और इंग्लिश जो है अब इसका रिटेलिएट करती हुई अपनी एक फोर्स पुणे के अंदर भेज देती है। अब वॉर क्या होता है, अब देख लिया कि पुरंदर और ये सूरत की जो ट्रीटी होती है, और फिर उसके चक्कर में नाना फडणवीस जो है वो ब्रेक करके फ्रेंच को एक टेरिटरी दे देते हैं, फिर ब्रिटिश को गुस्सा आ जाता है और वो आके आर्मी अपनी लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें वॉर में क्या होता है, इंग्लिश और मराठा आर्मीज़ जो है वो कहाँ मिलते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे वहाँ पे मिलते हैं। दो द मराठा आर्मी हैड अ लार्जर नंबर ऑफ सोल्जर्स, मराठा आर्मी में बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे देन द इंग्लिश, द लेटर हैड हाईली सुपीरियर एमिनिएशन एंड कैनन्स, और दूसरे के पास बहुत ज़्यादा बहुत कैनन्स बहुत अच्छे थे, इंग्लिश के पास ऑब्वियसली जो भी टेक्निकल चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी। तो मराठा आर्मी वॉज कमांडेड बाय अ ब्रिलियंट जनरल, मराठा आर्मी जो है वो किसके द्वारा कमांड करते थे, महजी शिंदिया के अंदर मराठा आर्मी चल रही थी, और महजी ल्योर्ड द इंग्लिश आर्मी इनटू द घाट्स नियर तालेगांव एंड ट्रैप्ड द इंग्लिश फ्रॉम ऑल साइड्स। तो शिंदिया जी ने क्या करा, चारों मेर से इंग्लिश को घेर लिया और उन पर अटैक किया कोपली के पास। और मराठा ऑल्सो यूटिलाइज स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी, स्क्रॉच्ड अर्थ पॉलिसी क्या होता है कि आप जहाँ से निकल रहे हो वहाँ की सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दो। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की बर्निंग फार्मलैंड को जला दिया, जो भी वेल्स थे पानी पीने वाले उसमें जहर डाल दिया। तो एज द इंग्लिश बिगिन टू विड्रॉ टू तलेगांव, तो मराठास ने अटैक करना स्टार्ट करा, फोर्सिंग देम टू रिट्रीट टू विलेज ऑफ वडगांव। हियर द इंग्लिश आर्मी वॉज सराउंडेड ऑन ऑल द साइड्स बाय द मराठास एंड कट ऑफ फ्रॉम फूड एंड वाटर सप्लाईज। द इंग्लिश सरेंडर्ड बाय मिड जनवरी 1779, और उनके साथ क्या ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ वडगांव ट्रीटी करी, जिसमें फोर्स किया बॉम्बे गवर्नमेंट ने टू रिलिंक्विश ऑल टेरिटरी एक्वायर्ड बाय इंग्लिश सिंस 1775। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है एंड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल, और इसी के साथ ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, और फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रगल जो वॉरेन हेस्टिंग का था गवर्नर जनरल बंगाल में, उसने इस ट्रीटी ऑफ वडगांव को अपोज़ किया और अपनी बड़ी सारी आर्मी वहाँ पर भेजी, ठीक है, सोल्जर्स भेजे। किसके अंदर, कर्नल गोडर्ड के अंदर, जिसने अहमदाबाद को कैप्चर किया फरवरी 1779 में, और बसीन को कैप्चर किया 1780 के अंदर, और अनदर बंगाल डिटैचमेंट जो है लेड बाय कैप्टन प्रोहम कैप्चर्ड ग्वालियर इन अगस्त 1780। तो इन फरवरी 1781 में क्या हुआ, इंग्लिश अंडर जनरल कैमेक
फाइनली डिफीटेड, उन्होंने फाइनली किसको डिफीट कर दिया, शिंदिया को शिपरी के अंदर। इंग्लिश फाइनली डिफीट कर देते हैं शिंदियाज को। शिंदिया प्रपोज्ड अ न्यू ट्रीटी बिटवीन पेशवा एंड इंग्लिश एंड द ट्रीटी ऑफ सालबा इनके बीच में साइन हो जाती है। इट वॉज रेक्टिफाइड बाई हेस्टिंग इन जून 1782 एंड बाई फडनविस। द ट्रीटी गारंटी पीस। अब इस सालबाई के अंदर क्या था, ट्रीटी ऑफ सालबा से होता है कि पीस मेंटेन करेंगे 20 साल तक, ठीक है। और ट्रीटी जो थी सालबाई की वो क्या थी, सेल्सेट शुड कंटिन्यू इन द सेल्सेट है वो इंग्लिश के पास ही रहेगा। जो होल टेरिटरी कॉन्कर्ड की गई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर, जैसे बसीन ये मराठास को, सेलसेट उन्हीं के पास रहेगा, बसीन जो है वो मराठास को दे दिया जाएगा। गुजरात, गुजरात के अंदर फतेह सिंह गायकवाड़ शुड रिमेन इन पोजिशन ऑफ द टेरिटरी विच ही हैड बिफोर द वॉर एंड शुड प्रिजर्व। और वहाँ पे गुजरात में फतेह सिंह गायकवाड़ को पेशवा माना जाएगा अभी भी, जो पहले भी थे। और इंग्लिश शुड नॉट ऑफर एनी फर्दर सपोर्ट, इंग्लिश जो है वो कोई भी सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे रघुनाथ राव को। और पेशवा शुड ग्रांट हिम अ मेंटेनेंस अलाउंस, और पेशवा उनको पैसा देते रहेंगे कुछ ना कुछ, जिससे वो अपना जीवन में खर्चा पानी चलाते रहें। और हैदर अली जो है वो सारी जो टेरिटरी ली गई ली है उन इंग्लिश फ्रॉम द इंग्लिश, एंड देन हैदर अली जो भी है, यहाँ पे हैदर अली का भी रोल आएगा कि हैदर अली रिटर्न कर दे जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने इंग्लिश की और आर्यन के लिए। इंग्लिश शुड इन्जॉय द प्रिवलेजेस, और इंग्लिश जो है वो ट्रेड वहाँ पे प्रिवलेजेस अभी भी इन्जॉय करेंगे। और पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन, जैसे कि नाना फडनवीस ने पहले फ्रेंच को पोर्ट दे दिया था, वो नहीं अलाउ किया जाएगा। पेशवा एंड इंग्लिश शुड अंडरटेक दैट देयर सेवरल अलाइज शुड रिमेन एट पीस विद वन अनदर, और महजी शिंदिया शुड बी अ म्यूचुअल गारंटर फॉर द, और महजी शिंदिया जो हैं वो म्यूचुअल गारंटर की तरह दिखेंगे हर चीज़ के, कि ये जितनी भी ट्रीटी हुई है ये इसके लिए गारंटर इन्होंने बनाया, और वो कौन थे, महजी शिंदिया। तो हमने देख लिया कि वॉर स्टार्ट इसलिए हुई थी क्योंकि जो ब्रिटिश है उन्होंने फोर्सेस भेज दी थी पुरंदर और सूरत, जो ट्रीटी हुई उसके चलते। फिर वहाँ पे फोर्सेस आएंगे तो बीच में लड़ाइयाँ होंगी, तो लड़ाइयाँ होने के चक्कर में क्या होगा कि लास्ट में वडगांव के अंदर महजी शिंदिया काफ़ी उनको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट में यहाँ पे आते आते इंग्लिश भी एक तरह से विक्ट्री कर होने लग जाएगी इंग्लिश की। फिर वहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाय साइन होगी, सालबाय के अंदर पीस ट्रीटी साइन करेंगे कि 20 साल तक हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म हो जाती है। अब हमारी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 से 1805 तक चलती है। इसका बैकग्राउंड ये रहता है कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी सरकमस्टेंसेस सिमिलर टू द फर्स्ट, आफ्टर पेशवा माधव राव नारायण, उन्होंने माधव राव नारायण ने जब सुसाइड कर ली 1795, जो कि तो बाजीराव जो थे वो बहुत ही वर्थलेस संत थे रघुनाथ राव के, वो पेशवा बनते हैं। नाना फडणवीस जो थे एक बिटर फॉयज, मतलब बहुत ही उनके वो थे, बोलते दुश्मन बोलते ना दुश्मन थे, बिकम द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो द डिसेंशंस अमंग द मराठास प्रोवाइडेड द इंग्लिश विथ एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन मराठा, तो इन दोनों के बीच में नहीं बनती थी, तो इंग्लिश वालों ने सोचा कि हम चलते हैं और हम इंटरवीन करते हैं। तो डेथ जो होती है ना नाना फडनवीस की 1800 में गेव द ब्रिटिश एन एंडेड एडवांटेज। अब कोर्स ऑफ वॉर हम बात करें, वॉर क्या होती है, तो अप्रैल 1801 में पेशवा जो है उसने बहुत ही ब्रूटली मर्डर करा अपने ब्रदर का, ठीक है। पेशवा ब्रूटली मर्डर द ब्रदर ऑफ, पेशवा ने मर्डर किया जसवंत राव के भाई को, ठीक है, ठीक है। जसवंत राव होलकर, विट्ठल जी उनको बोला जाता है, विट्ठू जी उनको बोला जाता है। तो अ फ्यूरियस जसवंत जो थे अरेड हिज फोर्सेस अगेंस्ट द कम्बाइंड आर्मी ऑफ शिंदिया एंड, जो जसवंत हैं फिर वो आते हैं और अपनी अपनी आर्मी को दो कम्बाइंड आर्मी के सामने खड़ा करते हैं। और दो कम्बाइंड आर्मी सामने से कौन आते हैं, शिंदिया और बाजीराव सेकंड। तो टर्मोइल कंटिन्यू हो रहता है 1802 तक, और जसवंत जो है वो डिफ़ीट कर देते हैं दोनों की आर्मी को, पेशवा की भी आर्मी को और शिंदियाज की भी आर्मी को, कहाँ पे, हडस पर नियर पूना के पास। एंड प्लेस विनायक राव सन जो था अमृत राव का, वो पेशवा की गद्दी पे बिठा के चले जाते हैं। तो टेरिफाइड बाजीराव सेकंड जो है वो भाग के बसीन चले जाते हैं जहाँ पे इंग्लिश बैठे थे, और उन्होंने एक साइन करी ट्रीटी इंग्लिश के साथ, ट्रीटी ऑफ बसीन। तो अंडर द ट्रीटी पेशवा जो थे वो एग्रीड हो गए टू अचीव फ्रॉम द कंपनी, टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी अ नेटिव इन्वेंट्री, एक इन्वेंट्री जो है वो उनसे लेने के लिए, विद द यूजुअल
प्रपोर्शन ऑफ फील्ड आर्टिलरी एंड यूरोपियन आर्टिलरी मैन अटैच टू बी परमानेंटली स्टे, एक ना यूरोपियन आर्टिलरी परमानेंटली जो है मराठा किंगडम में बैठेगी, एक तो ये बोला इन्होंने, और दूसरा ये बोला कि टू सीट द कंपनी टेरिटरी यील्डिंग एंड इनकम ऑफ 26 लाख, और उसके चलते आपको हमें 26 लाख देने पड़ेंगे और आप हमें सूरत सिटी दे दो और हमें जितनी और हमें टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ ऑन द निज़ाम डोमेन, और जितने भी निज़ाम के एरिया में जितने भी चौथ आप क्लेम करते हो उसको आप गिव अप कर दो, और टू एक्सेप्ट द कंपनी आर्बिट्रेशन इन ऑल डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड द निज़ाम और गायकवाड़, और जिन और कंपनी की जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लो, नॉट टू कीप इन हिज एम्प्लॉयमेंट यूरोपियंस ऑफ एनी नेशन एट वॉर विद द इंग्लिश, और कोई भी यूरोपियंस को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे या किसी को भी काम नहीं दोगे जहाँ जिसके साथ भी इंग्लिश वॉर पे होगी, टू सब्जेक्ट इज रिलेशन विद अदर स्टेट टू कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश रिड्यूस टू वसलेज आफ्टर द पेशवा एक्सेप्टेड अ सब्सिडरी अलायंस, शिंदे और भोसले जो थे अटेम्प्टेड टू सेव मराठा इंडिपेंडेंस, वो आते हैं ये सोचते हैं कि ये बाजीराव सेकंड क्या करके आ गया ये, तो बट द वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज आर्मी जो थी आर्मी की सॉरी इंग्लिश की अंडर आर्थर वेलेसली के अंदर उन्होंने डिफीट करी शिंदिया की आर्मी को भी और भोसले की आर्मी को भी, ठीक है, इन दोनों की आर्मी को उन्होंने डिफीट किया एंड फोर्स देम टू कॉन्क्लूड सेपरेट और उनके साथ भी सब्सिडियरी ट्रीटीज़ इन्होंने साइन करी। तो 1804 में क्या होता है कि यशवंत राव होलकर मेड एन अटैम्प्ट टू फॉर्म अ कोएलिएशन ऑफ इंडियन रूलर्स टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश, बट हिज अटैम्प्ट प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, उनका सारे सारे अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, मराठास भी डिफीट हो जाते हैं, रिड्यूस द इंग्लिश वेसलेज एंड आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर। तो डिफीट ऑफ भोसले हुई तो उन्होंने ट्रीटी साइन करी देवगांव, और शिंदियों ने क्या साइन करी ट्रीटी ऑफ तुर्जी अंजगनाव, और होलकर्स जब लास्ट में आते हैं और डिफीट हो जाते हैं तो उन्होंने राजपुर घाट उन्होंने ट्रीटी साइन करी। तो ट्रीटी ऑफ बसीन के क्या सिग्निफिकेंस थी, तो ट्रीटी वॉज साइंड बाय अ पेशवा हु लैक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, जैसे कि बाजीराव सेकंड सब कुछ लूज कर चुका था तो उसने ये सारी ट्रीटी साइन करी, बट द गेन्स मेड बाय द इंग्लिश, इंग्लिश ने बहुत कुछ गेन कर लिया क्योंकि सब्सिडरी अलायंस था तो 26 लाख रुपए मिल रहे हैं वहाँ पे रहने को मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी गेन किया इंग्लिश ने इस ट्रीटी के तहत। द प्रोविज़न ऑफ कीपिंग इंग्लिश ट्रूप परमानेंटली इन मराठा टेरिटरी वॉज ऑफ ग्रेट स्ट्रैटेजिकल बेनिफिट, द कंपनी ऑलरेडी हर ट्रूप्स इन वहाँ पे उनके पास मैसूर में उनके ट्रूप्स ऑलरेडी थे, उनके हैदराबाद में थे, लखनऊ में थे, और साथ ही साथ पुणे में भी आ गए थे लिस्ट के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि उनको काफ़ी जगह उनको बहुत हेल्प हुई, ठीक है। दो द ट्रीटी ऑफ बसीन डिड नॉट हैंड ओवर इंग्लिश इंडिया टू द कंपनी ऑन अ प्लेटर, इट वॉज अ मेजर डेवलपमेंट इन दैट डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि इंडिया प्लेट में रख के कंपनी को ही दे दिया, लेकिन वो एक वे था कि ऐसा भी कहा जा सकता है। तो कंपनी वॉज नाउ वेल प्लेस टू एक्सपेंड इट्स एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सर्कमस्टेंसेज, ऑब्जर्वेशन दैट ट्रीटी गिव द इंग्लिश टू की ऑफ इंडिया मे बी एग्जेगरेटेड बट अपीयर्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। बसीन के साथ ये जो वॉर है ये ख़त्म होता है, और अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगा, इसमें लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उनकी एक इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइन ऑफ इम्पोजिंग ब्रिटिश पैरामाउंसी, ब्रिटिश पैरामाउंसी मतलब ब्रिटिश ही सुपीरियर है, तो बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द इंग्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपली जो ट्रेड थी चाइना के साथ वो एंड हो जाती है, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा मार्केट चाहिए होते हैं, तो पिंडारीज जो थे ना मेड अप ऑफ मैनी कास्ट एंड क्लास्ट वर अटैच्ड टू मराठा आर्मीज, तो वैन द मराठा जैसे ही मराठा वीक हुए तो पिंडारीज ने क्या किया, उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो उनकी थी नहीं, उस चक्कर में उन्होंने आसपास में लूटपाट मचानी स्टार्ट कर दी, तो क्या हुआ इंग्लिश ने चार्ज किया मराठास को विद गिविंग शेल्टर टू पिंडारीज, पिंडारी का जो लीडर था वो था अमीर खान एंड करीम खान, उन्होंने सरेंडर किया और चिट्टू खान जो था वो जंगल में भाग गया। ट्रीटी ऑफ बसीन डिस्क्राइब द ट्रीटी विथ अ पेशवा वाउंडेड द फीलिंग्स, और जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई उससे काफ़ी मराठा लीडर्स का जो फीलिंग है उसको हर्ट हुआ, और इसने इस ट्रीटी को बहुत ही मतलब ऐसा देखा कि उन्होंने अपनी सारी इंडिपेंडेंसी सरेंडर कर दी। तो लॉर्ड हेस्टिंग एक्शन टेकन अगेंस्ट द पिंडारीज वर सीन एज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ और जब पिंडारीज के खिलाफ भी जब वॉरेन हेस्टिंग जब थे लॉर्ड हेस्टिंग जो थे जब
एक्शन ले रहे थे तो उन्होंने और देखा कि ये मराठास की सोवरेनिटी को एकदम ही ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, तो दे सर्व टू वंस अगेन यूनाइट द, उन्होंने फिर से सोचा कि वो यूनाइट करेंगे मराठा कॉन्फेडरेसी को। आई रिपेनेंट बाजीराव सेकंड मेड अ लास्ट बिड, और बाजीराव सेकंड ने एक फिर से एक लास्ट बिड लगा दी 1870 में, और सारे मराठा चीफ्स को इकट्ठा कर कर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर उन्होंने स्टार्ट कर दी। वॉर में क्या होता है, पेशवा ने अटैक कर दिया, ब्रिटिश रेसिडेंट्स जो भी पुणे में थे उन पर अटैक कर दिया, और अप्पा साहेब जो थे नागपुर के उन्होंने भी अटैक कर दिया, जो उनकी नागपुर में ब्रिटिश की रेसिडेंसी थी। और होलकर मेड प्रिपरेशन, और होलकर्स ने भी जो वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मराठास हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल दूज एलिमेंट्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ पावर, और मतलब उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी वो लूज़ कर गए थे, लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि अटैक कर दें हम, तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन जो थी ना मराठा की वो बहुत ही कन्फ्यूज और इनएफिशिएंट थी। लेकिन जब डेथ होती ना जशवंतराव होलकर की, तुलसीबाई जो होलकर की फेवरेट मिस्ट्रेस थी केम टू हेल्प ऑफ अफेयर्स इन पुणे, दो अ क्लेवर इंटेलिजेंट वूमन शी could not administer the state power properly, तो वहाँ पे जो होलकर्स का था तो ये रूल कर रही थी, तो वहाँ पे भी वो प्रॉपर रूल नहीं कर पा रही थी। बट वो किससे इन्फ्लुएंस थी, बलराम सेठ से और अमीर खान से, और भोसले एट नागपुर एंड शिंदिया ग्वालियर भी वीक हो चुके थे, तो इंग्लिश स्ट्राइकिंग बैक। लेकिन जब वो ये सब मिलकर आए, लेकिन इंग्लिश वालों ने बहुत भयंकर इनको सेटबैक दिया, और सक्सीडेड इन नॉट अलाउइंग द पेशवा टू एग्जर्ट हिज अथॉरिटी अगेन टू मराठा कॉन्फेडरेसी। रिजल्ट ये आता है कि पेशवा डिफीट हो जाते हैं, खिड़की भोसले जो है सीता बुल्दी पे, और होलकर जो है वो महिदपुर में, ये लोग यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं, और सम उनके साथ कुछ ट्रीटी कर दी जाती है, जैसे ट्रीटी ऑफ पुणे जो है पेशवा के साथ की जाती है, ग्वालियर शिंदियांस के साथ की जाती है, और मंदसर जो है होलकर्स के साथ की जाती है। और 1818 में क्या होता है, पेशवा फाइनली सरेंडर कर देते हैं, मराठा कन्फेडरेसी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और पेशवा शिप जो है वो भी अबॉलिश हो जाती है, और पेशवा बाजीराव जो है वो ब्रिटिश रिटेनर रह जाते, ब्रिटिश के ही अंडर रहते हैं बिथुर में कानपुर के पास, और प्रताप सिंह जो है एक लीनियल डिसेंडेंट थे शिवाजी के, वो उनको रूलर बना दिया जाता है, और सतारा फॉर्म्ड आउट ऑफ पेशवा डोमिनियन, और सतारा उसको दे दिया जाता है। तो पहली बात तो ये बात आती है कि यार इतने बड़े जो कि पूरे इंडिया पे भी शायद राज कर सकते थे, तो वो हारे क्यों, क्योंकि लीडरशिप बहुत ही इनएप्ट थी। कैसे, मतलब जो मराठा स्टेट था ना बहुत ही डिस्पोटिक था, द पर्सनालिटी और करेक्टर जो था ना उस स्टेट के हार्ट का वो बहुत ही ग्रेट था। मतलब कैसे, अनफॉर्चुनेटली द लेटर मराठास जो थे जैसे बाजीराव सेकंड, दौलतराव शिंदिया और जशकंत राव लाउर, वो बहुत ही वर्थलेस थे और सेल्फिश लीडर्स थे। मतलब उनको खुद का कोई मतलब होता था तभी वो कुछ ऐसे करते थे, ऐसे अपना इतना एफिशिएंट वो रूलर्स थे नहीं। बाद के रूलर जो थे, देयर वर नो मैच ऑफ इंग्लिश ऑफिशियल, जैसे कि अगर हम बात करेंगे आर्थर वेलेसली की और इन सब की, ये बहुत ही सुपीरियर टाइप ऑफ लीडर्स थे। फिर डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, कैसे कि क्या होता है, देर इज़ नो एफर्ट राइट फ्रॉम डेज ऑफ शिवाजी फॉर अ वेल थॉट आउट ऑफ ऑर्गेनाइज कम्युनल इम्प्रूवमेंट, कोई स्प्रेड ऑफ एजुकेशन नहीं था, कोई यूनिफिकेशन नहीं था पीपल का, मतलब बहुत ही सोशली बहुत ही मतलब इतने एफिशिएंट नहीं इन काम कर रहे थे, और पॉलिटिकल सेटअप भी बहुत ही लूज था, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लीडर छत्रपति शिवाजी के अंडर जो लीडरशिप थी और जो बाद में पेशवा की जो लीडरशिप थी वो बहुत ही अलग अलग तरीके की थी। पावरफुल चीफ जैसे गेकवाड़ थे, होलकर थे, शिंदिया भोसले, वो उन्होंने खुद के ना अलग अलग स्टेट इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना रखे थे, ठीक है, खुद के लिए, और एक दूसरे को इतना इनके अंदर यूनिटी थी नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये भी इन्फीरियर मिलिट्री सिस्टम, उनका मिलिट्री सिस्टम भी इतना इन्फीरियर था, कैसे कि जो भी पर्सनल और पावर्स और जो भी मतलब वहाँ के मिलिट्री पर्सन वो उतने एफिशिएंट नहीं थे जितने इंग्लिश के थे, इन टर्म्स ऑफ वॉर वेपन्स मान लो या डिसिप्लिन मान लो आर्मी के अंदर, और कुछ सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज की एक इंसान एक सबको कमांड कर रहा है, वैसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये मिलिट्री सिस्टम भी इनका अच्छा नहीं था, और इकोनॉमिक पॉलिसी भी इनकी ऐसी थी, क्यों कि जैसे कि हमने देखा कि मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा तो आपको नई नई पॉलिसीज़ को इमर्ज करना होता है, ऐसे नहीं कि जो पुरानी पॉलिसी चल रही है उसी को आप कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे देयर वर नो इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन ट्रेड, कोई भी वहाँ पे नई इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही थी, फॉरेन ट्रेड की ओपनिंग्स नहीं हो रही थी, तो इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी और
इंग्लिश हैड बेटर डिप्लोमेटिक स्किल टू विन एलाइज, मतलब डिप्लोमेसी तो इंडियंस में थी ही नहीं, जितनी अच्छी इंग्लिश इंग्लिश पर्सन में डिप्लोमेसी थी तो उसकी वजह से ही वो अपने पूरा अपने आप को पूरा इंडिया के अंदर राज करवा पाए। और फिर प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक ही ऐसा हो गया था कि लोग इंग्लिश को बहुत ही सुपीरियर मानने लग गए थे। मराठा लीडर्स पेड वेरी लिटिल अटेंशन टू मुंडेन मैटर्स ऑफ द स्टेट, इंसिस्टेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन डोमिनियंस ऑफ प्रिस्टली क्लास मेड द यूनियन ऑफ एम्पायर डिफिकल्ट। और प्रिस्टली क्लास क्या कर रही थी, सबको क्या कर रही थी, बांट रही थी। उससे क्या हुआ कि तो ये सब रीजंस होते हैं कि मराठास क्यों हारे। तो यहाँ पे हमारे मराठास पूरे हो गए, पहले हमने पूरे कर लिए, मैसूर वॉर्स हमने कंप्लीट कर ली, बंगाल हमने पूरी कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें।